students, today we are going to learn lesson 2, revision. Lesson 2 talks about Paramvir Chakra. Paramvir Chakra is an India's highest military decorated. एक अवार्ड था इंडिया में, इंडिया मिलिट्री में देने वाला, मिलिट्री लोगों को देने वाला एक अवार्ड था परमवीर चक्र है. इट इज़ अवार्डेड ऑफ एन ऑफिसर एंड एनलिस्टेड पर्सनल ऑफ ऑल थ्री सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेस. इंडियन आर्मी फोर्सेस सर्विसेज के लिए ये देने वाला एक अवार्ड था. दिस अवार्ड आर समटाइम गिवन पोस्टमियसली. मरने के बाद भी कई बार इस अवार्ड उनको मिल जाता है, मीन्स आफ्टर डेथ, डेथ के बाद. वेन द रिसिपियंट हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ इन द वेरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी. उनका गंभीरता कामों में और उनका ब्रेवरी काम में वो मर गया तो द अवार्ड इज़ गिवन टू हिज नेक्स्ट ऑफ किन. उनका दूसरों को वो अवार्ड उनको मिल जाता है. टिल 2018 दिस अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन ओनली 21 गैलन सर्विस मैन. 20 लोगों को ये अवार्ड 2018 तक मिला हुआ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, द परमवीर चक्र मेडल फीचर रिप्लिकेन ऑफ एन सेलेस्टियल वेपन. सेलेस्टियल मतलब आकाश में लड़ाई करने वाला उस वेपन के लिए नॉन असन वज्रा. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज वज्रा. सेकेंड वन, इन द फिल्म LOC कारगिल द पार्ट ऑफ परमवीर चक्र रिसिपियन कैप्टन विक्रम बट्रा वॉज प्लेड बाई. कैप्टन विक्रम बट्रा का नाम में एक्टिंग कौन किया था? अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया है वो फिल्म में, कारगिल फिल्म में. द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ एन हॉनर्ड विथ एन परमवीर चक्र. हाइएस्ट रैंकिंग मतलब बहुत ऊंचा रैंकिंग में अवार्ड मिला ये परमवीर चक्र का, आदर मिला था. किसको मिला है? द थर्ड वन आंसर इज लिट कोल AB तारापोरा. ओके, द थर्ड वन आंसर इज. फोर्थ वन, द इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी that has been awarded 3 Paramvir Chakra. The maximum given to any regiment so far is. The fourth question answer is Grenadiers. Grenadiers. उसमें था meaning the infantry regiment मतलब foot में land में चलने वाला armies. The person who on the foot. ओके, लैंड में चलने वाला आर्मी लोगों को मिलने वाला 3 अवार्ड था परमवीर चक्र का. उसको उस अवार्ड का नाम क्या था? ग्रेनेडियर्स. ओके, रेजिमेंट सो फार इज ग्रेनेडियर्स. कैप्टन गुरुबख्शन सिंह सलारिया वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र ड्यू टू द एक्सेप्शनल मिलिट्री सर्विसेज एंड सैक्रीफाइसेस इन द अफ्रीकन कंट्री ऑफ. एक अफ्रीकन कंट्री में कैप्टन गुरबख्श सिंह को एक अवार्ड, उसका कारण एक अवार्ड मिला है. कौन सा कंट्री में था? 51 आंसर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो एक कंट्री में था. 61, निर्मलजीत सिंह सिखों को एक अवार्ड मिला है. एयरफोर्स में काम करने वाला है. 61 आंसर इज एयरफोर्स में काम करने वाला, उनको एक परमवीर चक्र का अवार्ड मिला है. 7th वन, परमवीर चक्र किससे बना हुआ है? ब्रॉन्स, BRON ब्रॉन्स से बना हुआ है. 8th वन, डैश रिसीव द परमवीर चक्र अवार्ड पोस्टमियसली. मरने के बाद किसको था ये परमवीर चक्र मिला है? 8th वन आंसर इज अब्दुल हमीद को ये मरने के बाद ये परमवीर चक्र अवार्ड मिला है. 9th वन, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडियन सर्विस मैन वेर एलिजिबल टू रिसीव द इंडियन सर्विस मैन. वो ये अवार्ड मिलने के लिए एलिजिबल है. उसका नाम था विक्टोरिया क्रॉस रिसीव्ड द विक्टोरिया क्रॉस में ये अवार्ड मिला है. ये ब्रिटिश का भी साथ वो बातचीत हुआ है, ब्रिटिश के साथ भी बातचीत होकर ये अवार्ड कॉन्फिगर उनसे डिस्कस हुआ था. ब्रिटिश ऑफिसर के साथ भी डिस्कस हुआ था. कॉन्फर्ड मतलब डिस्कस्ड. ओके, द 10th वन, डैश एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज ओरिजिनली अवार्ड द परमवीर चक्र पोस्टमियसली ऑफ हिज ब्रेवरी. एक इंडियन आर्मी था, आर्मी मैन को मिला है, उसको ब्रेवरी एक अच्छा गंभीरता काम के लिए उसको मिला था. वो मर गया था 1962 में. वो उनको जेल में डाला था, चाइना का जेल में भी उनको लेके गया था. ही वॉज इन द प्रिजन ऑफ चाइना एंड रिलीज्ड फ्रॉम चाइना. उनको ये अवार्ड मिला. उसका नाम क्या था?
मेजर धन सिंह तापा. मेजर धन सिंह तापा. ओके दिस इज सेकेंड लेसन. सो थर्ड लेसन टॉक्स अबाउट स्पाइसेस. थर्ड लेसन टॉक्स अबाउट स्पाइसेस. स्पाइसेस आर वॉट मेक्स अवर फूड सो टेस्टी. हमारा फूड को बहुत अच्छा टेस्ट करने वाला चीज़ स्पाइसेस है, मसाला. ओके क्रिस्टोफर कोलंबस से ये स्पाइसेस ढूंढ करता इंडिया में आने के लिए कोशिश किए, फिर वो अमेरिका में पहुंच गया था. ये इंडिया डिपेंड इन अमेरिका. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखो. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच स्पाइस मिक्सर इंक्रीज अवर बॉडी टेम्परेचर. हमारा बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कौन सा स्पाइस हम यूज़ करता है, क्या खाने में हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. गरम मसाला खाने में हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. ओके व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ड्राइड अनरिप्ड फ्रूट ऑफ द जमेकियन पिमेंडो. जमेकियन पिमेंडो को एक ड्राइड अनरिप्ड फ्रूट है, उसको क्या नेम देना था, क्या नाम था. ये कॉम्बाइंड फ्लेवर ऑफ कड़ा किनामन एंड नटमेग ऑफ क्लोव्स. इसका कॉम्बाइंड में बना हुआ था. इसका नाम क्या था. ऑल स्पाइसेस. सारे स्पाइसेस है. ओके ऑल स्पाइसेस. थर्ड वन. इन विच इंडियन सिटी वुड यू फाइंड द सेंचुरीज ओल्ड मटांजेरी स्पाइसेस मार्केट. इंडिया का कौन सा सिटी में मटांजेरी स्पाइसेस मार्केट आता है. वो इंटरनेशनल पेपर एक्सचेंज है एंड द वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है. वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन भी उसी गांव में है, उसी सिटी में है. कौन सा सिटी में था, यू हैव टू फाइंड आउट. द आंसर इज कोची. फोर्थ वन. विच स्पाइस मोस्टली ग्रोन इन मडागास्कर एंड नेबरिंग आइलैंड इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का एक नेबर आइलैंड में पास वाले एक आइलैंड में ये स्पाइस होता है. कौन सा स्पाइस था. इस सेकेंड मोर एक्सपेंसिव नेचुरल स्पाइस इन द वर्ल्ड. ये सबसे सेकेंड एक्सपेंसिव, सबसे फर्स्ट नहीं है, सेकेंड एक्सपेंसिव ये स्पाइसेस है. कौन सा स्पाइस था. वनीला. ओके बी पार्ट ये एक फोटो दे रखा है इसी स्पाइसेस का. कौन सा से स्पाइस आता है, कौन सा कैटेगरी में आता है, हम उसको फाइंड करना है. क्लोव्स कौन सा कैटेगरी में आता है. क्लोव्स ड्राई फ्लावर बड. ओके ड्राई फ्लावर बड था क्लोव्स. किनामोन कौन सा कैटेगरी में आता है. बार्क हिनामा इसे कमांडर बार्क. पेपर ब्लैक पेपर कौन सा कैटेगरी में आता है. ब्लैक पेपर कम्स अंडर ड्राइड फ्रूट में आता है ब्लैक पेपर. फोर्थ वन सैफ्रॉन कौन सा कैटेगरी में आता है. ये स्टिग्मा से STIG स्टिग्मा कैटेगरी में आता है. जिंजर कौन सा कैटेगरी में आता है. जिंजर इज एन राइसोमस RHIZOMES राइजोमी कैटेगरी में आता है. असोफोटिया कौन सा कैटेगरी में आता है. असोफोटिया इसका अंडर रेसिन RESIN रेसिन. ओके सो दिस इज लेसन 2 एंड लेसन 3 रिविजन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.